हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नीट पीजी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं लगातार वो यह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो जाए, डिले हो जाए, और कम से कम 8 से 10 वीक के बीच इस एग्ज़ाम को डिले कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, रीज़न आप सभी को पता है कि किस रीज़न के कारण उम्मीदवार यहां पर इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। पर दोस्तों, उम्मीदवारों का यह सवाल है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, यह सबसे बड़ी कंफ्यूजन उम्मीदवारों के लिए बनी हुई है। क्योंकि नीट MDS को लेकर फाइनली यहाँ पर जो है एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि जो उसकी निर्धारित टाइम है वो उसी टाइम में उनकी एग्ज़ाम कराई जाएगी। पर फाइनली अभी तक इसकी एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई है कि उस एडमिट कार्ड में इतनी डिले क्यों हो रही है। पर दोस्तों, नीट MDS और नीट PG में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडियाओं पर और ट्विटर पर उम्मीदवार एक्टिव हैं यहाँ पर नीट PG एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड को लेकर। क्योंकि दोस्तों, अगर रिसेंटली देखें तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर जो है मेंबर निकल कर आए नीट PG की एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड को लेकर, और अभी भी निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या उन लेटरों का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या नीट PG अपने निर्धारित समय पर होगी या उसे पोस्टपोन्ड नहीं किया जाएगा, यह उम्मीदवारों का सवाल है। क्योंकि दोस्तों, लगातार कल 3 से 4 मीटिंग हुई हैं, पर दोस्तों मीटिंग के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आ पाई कि इस एग्ज़ाम को लेकर जो प्रोग्रेस है वो क्या है, वो एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। उम्मीदवारों को यही जानना है, क्योंकि फाइनली अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट निकल कर नहीं आ रहा है। दोस्तों, स्टेटमेंट ना निकल के आने से उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि नीट PG की जो एग्ज़ाम है क्या वो अपने निर्धारित समय पे कराई जाएगी, या हमारी इतनी ट्विटर अभियान चलाई गई, साथ ही कई बड़े मेंबर, लोकसभा के मेंबर, कई सारे डॉक्टरों ने यहाँ पर जो है अपनी डिग्रियों को यहाँ पर जो है सस्पेंड करने की बात कर दी, सरेंडर करने की बात कर दी। पर दोस्तों, अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं निकल पा आया क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। दोस्तों, इसके बारे में लगातार अगर आप ट्विटर पर अभियान देखें तो हर एक सेकंड जो ट्वीट की जा रही है, हैशटैग लगाई जा रही है कि नीट एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया जाए। साथ ही दोस्तों, कल यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर जो हैं एसोसिएशन जन हैं यहाँ पर टैग इन कर यहाँ पर जो है लेटर लिखे गए हैं। पर दोस्तों, अभी तक यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी इस पर जवाब नहीं आया। तो उम्मीदवार इस चीज़ को क्या समझे, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। पर दोस्तों, आप यह मान सकते हैं कि जैसे कि उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी जो कैप्टन GS लाठी जी ने दी थी, जिसमें कि यह बताया गया था कि सबर का जो फल है वो मीठा होता है। तो उनकी कहीं ना कहीं इन बातों से लग रही थी उम्मीदवारों की कि जो एग्ज़ाम है उसे 100% ही पोस्टपोन्ड किया जाएगा। पर दोस्तों, रिसेंटली उनकी एक और अपडेट आई है जिसमें कि यह बताया गया है कि उम्मीदवार पूरे अपने मन और तन से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कराने के लिए लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड ही होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज जो है कहीं ना कहीं यह चांस लग रही है कि इसके अलावा कुछ आप सभी के लिए फाइनल निष्कर्ष निकल कर आ सकता है। क्योंकि जिस तरह के इन सभी के पॉजिटिव ट्यूड हैं, और उम्मीदवारों को यही पॉजिटिव ट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आकर्षित कर रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी, और हो सकती है दोस्तों अभी आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, कम से कम 20 दिन के पूरे यहाँ पर टाइम है। और यहाँ पर आप यह मान सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट तक आप सभी को यह फाइनली डिसीजन हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पर आप सभी को फाइनली नोटिस के माध्यम से अपडेट होगा कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कहीं भी देखें, कोई भी न्यूज़ चैनल देखें, NDTV देखें, या पत्रिका न्यूज़ देखें, या जी न्यूज़ देखें, इस पर हर एक चीज़ की मांग की जो की जा रही है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया जाए, तो जो डॉक्टर हैं वो सभी अपनी जो डिग्रियां हैं वो यहाँ पर सरेंडर कर देंगे इन चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का दबाव डायरेक्ट नीट PG के एग्ज़ाम पर पड़ रहा है, और एग्ज़ाम में भले ही दोस्तों आप सभी के सामने कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं निकल पा रहा है, पर फाइनली आज उम्मीद की जा रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और साथ ही जो ट्विटर पर पॉजिटिव वे में यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड को लेकर,
उन सभी के निर्णय से आज जो है कुछ फाइनली कुछ अपडेट निकल कर आ सकता है। क्योंकि दोस्तों फाइनली 5 या 6 बजे के बीच में आप सभी को यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ाम है क्या वो अपने निर्धारित समय पर होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों लगातार लोकसभा मेंबर से, साथ ही यहाँ पर पार्लियामेंट से, साथ ही यहाँ पर पीएमओ को टैग कर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ट्वीट किए गए हैं और साथ ही कई लेटर भी लिखे गए हैं। और दोस्तों जो उम्मीदवारों की मांग है वो बिल्कुल ही जायज़ है और यह मांग आप मान के चले कि ये मांगे हैं वो आपकी ज़रूर पूरी होगी और जो आप सभी की डेट है एग्ज़ाम की वो यहाँ पर 100% जो है कन्फर्म डिले होगी। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी तक यही इन्फॉर्मेशन थी जो निकल कर आ रही थी। जैसे ही दोस्तों यहां पर अपडेट मिलेगी कैप्टन जीएस लाठी की तरफ से या आप सभी के लिए सुखपाल सिंह से या अमरीका सिंह से, जैसे ही अपडेट मिलेगी सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि ट्विटर के माध्यम से ही यह चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही जो बढ़ावा है वो बिल्कुल ही सही है दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी तक यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे हमारे चैनल स्टडी जोन को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।